हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल डॉक्टर मोहित सिद्दीकी। मैं डॉक्टर मोहित सिद्दीकी, वेटनरी सर्जन। इस बार हम पशुओं में जो होने वाला आजार है, लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। लंपी स्किन डिजीज़ एक्चुअली ये कोई नया वायरस नहीं है, ये वही वायरस है जो साउथ अफ्रीका खंड में 1929 में देखा गया था। ये पॉक्स वायरस है, बेसिकली गोट पॉक्स, कैप्री पॉक्स वायरस है। जैसा देवी का रोग पिछले सदियों में इंसानों में हुआ था, उसी तरीके का पशुओं का है। ये गोट पॉक्स वायरस की सिमिलरिटीज़ है इसमें। ये गाय, बैल, भैंस और एक दो जगह पर घोड़ों में भी देखा गया है, बकरियों में ये बिल्कुल भी नहीं देखा गया है अभी तक। जो इस वायरस के रिपोर्ट्स है जो क्लिनिकली देखे गए पशु चिकित्सकों द्वारा, तो ये इंसानों में जानवरों से नहीं आया है, ना कि कोई डेयरी का उत्पादन या फिर मांस मीट का कोई उत्पाद खाने से इंसानों में ये बीमारी नहीं पाई गई है। इस बीमारी में पशु को तेज़ी से बुखार चढ़ता है, भूख ना लगना, आँग पर फोड़े फोड़े जैसे उमटना, आँखों में से पानी आना, लैक्रिमेशन जिसे कहते हैं, नाक में से स्त्राव आना, आँख में से स्त्राव आना, ये होता है। किसी किसी पशुओं में सामने के दोनों पैरों के आगे जो ब्रिस्केट होता है, ड्यूलैप होता है, उसका सूजना। किसी किसी पशुओं में पैर पे सूजन दिखती है, कोई पशु लंगड़ा के चलने लगता है और पैर ज़्यादा सूजते हैं। कोई एक लक्षण भी हो सकता है या सारे लक्षण भी हो सकते हैं। आइवरमेक्टिन के साथ साथ एंटी एलर्जिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कॉमनली जो यूज़ होते हैं पशु चिकित्सा में, जैसे क्लोरफेनर्विन मलिएट है, मेलाक्सिकैम है या टोलफेनमिक एसिड है, ये अगर देते हैं हम 2 से 3 दिन पशु को, या ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन की अवधि में, बेसिक ड्रग्स जैसे स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन है 2.5 ग्राम या 5 ग्राम उस पशु के वज़न के अनुसार, तो इसका सैटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट उपचार हो जाता है। अगर इसको अनदेखा किया पशु पालक ने, तो ये बीमारी बढ़कर फैलकर अन्य पशु को हो सकती है। और हर गांव खेड़ा में, विलेज में, देहात में पशु चिकित्सकों द्वारा इसकी जो मालूमात है, ये एक छोटे छोटे कैंप्स लेकर पशुपालकों को अगर दी जाए, तो पशुपालक भयभीत होने के बजाय इस रोग से लड़ने के लिए तैयार हो और इसका वक्त पर सही इलाज कर लें। इसके अलावा और कोई भी डीटिक ट्रीटमेंट जो करते हैं हम, और एकेरिसाइड्स जो साइपरमेथ्रिन है, परमेथ्रिन है, एमिट्राज है, इसका भी अगर छिड़काव हम, जैसा कि बताया गया है, अगर पशु के आंग पर और पशु के घर में अंदर आतराफ में जो क्रेवाइसेस है, छोटे छोटे और अन्य जो ऐसी जगह है जहां पर परोपजीवी छुपकर बैठे हो सकते हैं, इस जगह पर इस चीज़ों का अगर छिड़काव किया जाए, तो इस रोग से लड़ने में मदद मिल सकती है। तो ये जो वायरस है 2 से 3 सप्ताह तक पशु के बॉडी में रहता है। अगर शुरुआती 2-3 दिनों में इसका उपचार किया जाए, तो कारागर देखा गया है, जिसमें कि आइवरमेक्टिन जो एंडोपैरासिटिसाइड है, रिसर्च आर्टिकल बताती है कि इसकी कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी है, तो ये देने से जो पशु के पूरे बॉडी पे जो फोड़े आ रहे हैं, लम्प्स आ रहे हैं, वो ये देखा गया है कि 1-2 दिन के अंदर अंदर 48 घंटों के अंदर ये कम होते देखे गए हैं। तो पशु पालकों से ये विनंती की जाती है कि पहले चरण में जैसे ही आँख पे कुछ फोड़ा दिखे इस तरीके का, तो तभी उसका उपचार कर ले। अगर इसका उपचार वक्त से हो जाता है, तो ये फैलता नहीं है और सीवियरिटी इसकी कम होती है,
अगर इसको अनदेखा किया गया तो जो फोड़े हैं ये फूटने तक का अगर रुका गया तो उसमें से जो द्रव निकलता है वो द्रव में वायरस होता है और वो वायरस फिर फैलने के लिए जैसे उस पर मच्छर मक्खी या गोचिड़ जो भी है परोपजीवी होते हैं ये अगर काटते हैं पशु को तो एक पशु से दूसरे पशु को फैलाने में ये काम करते हैं। के लंपी स्किन डिजीज इंसानों में देखी गई हो या होती है। तो एक इजिप्शियन रिसर्च आर्टिकल है जो पब्लिश हुआ है, उसमें ये देखा गया है ऑथर ने कि लंपी स्किन वायरस अलोंग विथ हर्पीज वायरस, उन्होंने देखा है कि जो इंसान को हुआ है, तो वो जो भी बीमारी है वो अलग है, हर्पीज वायरस है, वो लंपी स्किन डिजीज़ का वायरस नहीं है। तो ये मालूम होता है कि ये जो बीमारी लंपी स्किन डिजीज़ अभी चल रही है हमारे देश में, ये जोनोटिक नहीं है, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। या पशु का दूध या और अन्य पदार्थ, डेयरी पदार्थ खाने से इंसान को कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी नहीं होगी। जो बीमारी जानवर से इंसान को आती है उसे जूनोटिक डिजीज़ कहते हैं। तो इस बीमारी के तहत अभी तक ऐसा कोई रिसर्च नहीं आया है सामने जिससे ये साबित हो सके कि लंपी स्किन डिजीज़ इंसानों में ये रही बात टीकाकरण की, जो गोड पॉक्स का उत्तरकाशी स्ट्रेन है उस वैक्सीन से इस लंपी स्किन डिजीज़ के लिए अच्छी खासी एंटीबॉडी प्रोटेक्शन मिल रही है। 1 मिली सबकट चमड़ी के अंदर अगर इसको दिया जाए तो लंपी स्किन डिजीज़ से बचाव पशुओं का हो सकता है, जिसमें कि आपको ध्यान रखना है कि गाय बैल भैंस सभी पशुओं को ये टीकाकरण करे, यहाँ तक कि गाभिन पशु को भी टीका दिया जा सकता है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर ये रोग हो जाए तो गर्भपात हो सकता है, दूध कम हो सकता है, पशु का वज़न कम हो सकता है और इस तरीके से पशुपालक को नुकसान पहुंच सकता है। अगर टीकाकरण किया जाए, वक्त पर उपचार किया जाए और जो बाधित पशु है उसको अलग रखा जाए तो इस रोग से भली भांति तरीके से लड़ा जा सकता है और इसका फैलाव बचाया जा सकता है। और आखिरी बात रही पशु उत्पादन, कोई भी दूध के रूप में हो या फिर मांस के रूप में हो, इसको खाने से कोई बीमारी इंसानों को नहीं होती है। जैसे कि हम दूध को उबाल कर पीना चाहिए और मांस को पका कर खाना चाहिए। आम तौर पर हमने भारत में ये देखा है कि हम इन चीज़ों को पका कर ही खाते हैं, तो भली भांति इससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ये खाने से मांस में या दूध में या और कोई डेयरी उत्पाद में नहीं आता है। धन्यवाद।